हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, फुल मून का डे है। आज जानेंगे फुल मून आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग, अबंडेंस, गाइडेंस लेकर आ रहा है। इस फुल मून के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा, डिवाइन किस तरह से आपको गाइड करेंगे, क्या मिरेकल होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब भी फुल मून या न्यू मून आता है लाइफ में, तो जितने भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और पता चल पाता है कि अब नेक्स्ट फेज कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, थ्री ऑफ सोर्ड्स। हर्मिट, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन साइन आए हैं। दिस इज योर करंट एनर्जी गाइज। यहाँ से कंफ्यूजन दिख रही है, किसी बात को लेके आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी। मैं इसलिए आपको करंट एनर्जी बताना चाहती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है माइंड में, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कल रात को हो सकता है बहुत लेट नींद आई या फिर आई ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो अभी राइट नाउ, तो मतलब सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कुछ ना कुछ कमी है, अधूरापन सा है, कुछ ऐसा दिख रहा है लाइफ में। और थोड़ा सा रिग्रेट में दिख रहे हो, डिसअपॉइंट हो आपके हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले आपकी अर्निंग अच्छे से हो रही थी, बट अब फिर से वही चीज़ आ गई है। ठीक है, इनकम में भी थोड़ा सा लॉस देखा आपने, हालांकि मैनिफेस्ट तो आप बराबर कर रहे हो, आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन डेविल एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में दिख रहे हो, लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में तो आ चुके हो आप दोनों। मैंने दोनों कहा? ओके, तो आप और आपके पार्टनर। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी जोन में आ चुके हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अच्छे से, लेकिन अभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और रिग्रेट में दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो आप, आपके अंदर कोई एक बात है जो कॉन्टिन्यूसली चलती है, लेकिन आपको इसका, आप इससे ना मतलब छुटकारा नहीं पा रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। और ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर रही है राइट नाउ, जो भी आप अपने अंदर लेकर बैठे हो, जो आप अपने शब्दों पर नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो यही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। एनर्जी थोड़ी सी लो है आज के दिन स्पेशली, इट्स ओके। पता है क्या होने वाला है आपके साथ? देखो, अभी 333 एंजल नंबर दिखा है। जब ऐसा होता है ना, बहुत पेन होता है, कन्फ्यूजन होती है, डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगनी शुरू हो जाती है। कुछ नहीं होना, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और जब चेंजेस आने वाले होते हैं या आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग स्टेज पर ना ऐसे ही घबराहट होती है। तो अब मैं पता लगाऊंगी कि फुल मून क्या चीज़ें लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। अभी अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो अब आपके फुल मून के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, ये बातें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग अब और जानते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है आपके साथ फुल मून के आने से। अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं बदलाव ही आता हुआ देख रही हूँ। एक कार्ड आया हमारे पास, आर्कएंजल मेट्रॉन, टेम्पल पाथ। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस,
स्ट्रेंथ, आर्कएंजल एरियल। थोड़े से कार्ड्स और लेंगे। ओ वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड हमारे पास दो बार आ गया है। एंड पैशन इग्नाइटेड। ठीक है, कार्ड्स आ गए आपके लिए। देखिए गाइस, जिस भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, लाइक आपको इस एनर्जी से बाहर निकल रहा है, जो भी आपके अंदर अभी आप सहन कर रहे हो या आप कह नहीं पा रहे हो सबके सामने, तो मैं बताती हूँ ये बात आपकी भगवान सुन रहे हैं। ठीक है, तो टेम्पल पाथ आया है कार्ड, यानी कि आपकी सारी जो परेशानियाँ हैं या जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, किसी चीज़ से छुटकारा पाना है या आपको माफ़ी चाहिए, तो डिवाइन तक आपकी बात पहुँच रही है। पहली बात तो ये है। और देखो, डिवाइन आपके सारे दुख परेशानियों को दूर करने की पूरी को इस फुल मून के आते ही आपकी लाइफ से ये एनर्जी बिल्कुल चली जाएगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि इस टाइम जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, आप थोड़ा स्ट्रेंथ रखिए। ठीक है, देखो दो दो बार कार्ड है ये स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ रखिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ आप फेस कर रहे हो लाइफ में, बहुत जल्दी डिवाइन इसको आपकी लाइफ से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और हटा ही देंगे। ठीक है, आर्कएंजल एरियल का सपोर्ट है, आर्कएंजल मेट्रॉन का सपोर्ट है, दैट इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हो। ठीक है, इजिली सर्वाइव कर पा रहे हो। विजडम, आप देखो जो भी परेशानियां हैं, चाहे आपके लव लाइफ से लेकर है, देखो हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, कुछ नहीं बता रहे हो, एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हो, या अगर आप कपल हैं, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो रिवील नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ बताते नहीं हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, दैट इज़ वाई ऐसा हो रहा है। तो अभी आगे चलकर दोनों के पास ही विजडम आता हुआ दिख रहा है और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी और क्राउन चाक्रा बैलेंस होगा, तो आपकी ओवरथिंकिंग की जो इश्यू आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। फुल मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में पड़ेगा इसका। ठीक है, और इस टाइम अभी आप कोशिश करें कि खुद से भी इस लोअर फ्रिक्वेंसी जोन से हायर फ्रिक्वेंसी जोन में आने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट अच्छे से करते रहें। ठीक है, क्योंकि यही करने से आप स्टेप लें तो आगे चलकर डिवाइन आपके लिए भी स्टेप लेंगे। और देख लेते हैं और हमें क्या एडिशनल पता चलेगा। वाओ, थर्ड टाइम ये कार्ड आ गया गाइस, अब तो ये मैं खुश हो गई हूँ। आपको लगता है स्ट्रेंथ की कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ताकत हिम्मत मिलने वाली है, ताकि आप अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बता सकें, या फिर दुनिया में जो चीज़ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बनने में, उस काम को पूरा करने के लिए डिवाइन बहुत सारा स्ट्रेंथ भेज रहे हैं आपके पास। ठीक है, हिम्मत, ताकत। तो मुझे लगता है इस फुल मून के आने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ले आएंगे अपने अंदर, पावरफुल पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे। द वर्ल्ड एट ऑफ वॉन्ट्स, मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो गई हो और यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। जस्टिस आपको मिल सकता है, बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, और एक बहुत बिग न्यूज़, कोई बिग इवेंट आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। ठीक है, और आप अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ कप्स, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो, इसका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी डिवाइन की तरफ से, एंड आगे ही बढ़ रहे हो आप, एक पॉजिटिव अप्रोच लगाकर आप आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, कुछ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा छानबीन इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिख रहे हो और जजमेंट आपको मिलने के चांसेस हैं, और जजमेंट आपके फेवर में ही मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं। ठीक है, डेथ कार्ड आ गया हमारे पास, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे।
जजमेंट मिलने, देखो जजमेंट में आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, और इसी इसी जस्टिस के साथ साथ आप एक न्यू फेज में भी एंटर कर जाएंगे। तो ये फुल मून बहुत पावरफुल फुल मून साबित होगा आपकी लाइफ में, जहाँ आपको बहुत सारी स्ट्रेस को हटाने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वीक ना पड़ें, ताकि हम ओवर थिंकिंग ना करें। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है, हिम्मत ताकत, अपनी ज़िंदगी के जो भी हार्डशिप्स हैं उससे लड़ने के लिए हिम्मत ताकत डिवाइन आपके लाइफ में भेज रहे हैं। लेकिन करंट सिचुएशन जो अभी है, जैसे कि डेवल एनर्जी आपके आसपास दिख रही है, इस एनर्जी से लड़ने की कोशिश करो, डिवाइन को ज़्यादा याद करो, और बहुत सारी सिचुएशन में चुप रहने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, अपने काम से मतलब रखिए। और रिवील कम कीजिए, ठीक है। देखो फुल मून का हमारे पास साइन आ गया यहाँ पर। अच्छा, इस पर्सन का, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, देखो अभी बिल्कुल 11 11 नंबर दिख गया मुझे ट्विन फ्लेम बोलते ही। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, और सोलमेट की तरफ से भी आ सकता है, या फिर ये आपको टेलीपैथिकली भी मैसेज भेज सकते हैं। और ऐसा हमेशा ही होता है फुल मून पर या न्यू मून पर, पार्टनर की तरफ से अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा साइन मिलता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, या आगे बढ़ना है, या मूव ऑन करना है, ठीक है। क्रिएशन, ये फुल मून आप स्पिरिचुअल जर्नी जो फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मैजिकल रहेगा। डिवाइन कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रिकवर, आपको कुछ रिसोर्सेज या फिर कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आप अपनी लाइफ में जो रिकवर आपको करना है वो आप इजीली कर सकें, ठीक है। आपके हाथ में ये मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ मैजिकल, कुछ ऐसी ब्लेसिंग जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना पाएंगे, और पीछे भी फुल मून है, ठीक है। सॉरी, एंड बैलेंस, अच्छा बैलेंस बन पाएगा गाइज आपकी लाइफ में, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, सो डोंट वरी कि अभी की सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी लड़ पाए, तो आप देख लेना, जैसे ही फुल मून आएगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी शुरू कर देंगे, और देन आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, और इसके बाद अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। जस्टिस मिलने के चांसेस हैं बिल्कुल आपको। फुल मून इन लियो, देखो लियो एनर्जी फिर से आई है, इसका मतलब है काफी स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, बट आप प्राइड फील ना करें, ठीक है, और सबके साथ पोलाइट रहें, ये आपसे डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स। और पास्ट में जितना जियोगे उतना परेशान होगे, इसलिए वहां से तो मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड होल्ड योर विजन, लाइफ में जितना हो सके अच्छे से ही सबसे बात करें, और जो सपने आपने सजाए हैं, जो देखे हैं, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा रिलैक्स फील करें, रश ना फील करें, ठीक है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत जल्दी आपका गोल अचीव होने वाला है, जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका गोल अचीव हो जाएगा, ऐसा यहाँ दिख रहा है, जस्टिस मिल जाएगा आपको। डोंट वरी, देखो जिंदगी में जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है, न्यू बिगनिंग वैसे ही आ जानी है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये रिकवरी भी डिवाइन आपके लाइफ में भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं अपना, तो जल्दी ही आपकी लाइफ में देखो अबंडेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, ताकि आप अपनी जिंदगी की आगे जो आपको हार्डशिप मिलेगी उससे आप इजिली डील कर सकें, ठीक है। तो फुल मून का इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा आप लोग फील करेंगे। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।